हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन पेपर आपका लेकर आए हैं। बीए बीएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए फिक्शन का पेपर है आपका, और ये आपका मेन एग्ज़ाम का नहीं है, ये आपका बैक और स्पेशल बैक का पेपर है। तो देखते हैं कि जो आपका मेन का क्वेश्चन पेपर था और बैक का था, आपके पास अगर लास्ट के जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपके पास होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस बार किस तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। और कितनी बार क्या होता है कि बैक का एज इट इज़ पेपर भी रिपीट हो जाता है, तो ये पेपर आपके लिए देखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई चेंजेस नहीं होंगे आपकी, एग्जामिनेशन पैटर्न वही रहेगा, 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और 6 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। मीन्स ऑप्शन काफ़ी हैं आपके पास, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन आपका वही सेम 10 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए, लास्ट ईयर मेन एग्जाम में आपसे क्या पूछे गए थे, यूज़ ऑफ आयरनी पूछा गया था, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन भी आया था, जेन ऑस्टिन की लिमिटेड रेंज भी पूछी गई थी, और इस बार देखिए आपसे पूछा गया है टाइटल, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रिजुडिस, राइट एन एसे ऑन जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रिजुडिस एज अ डोमेस्टिक नॉवेल। तो इस बार अगर पॉसिबिलिटी है तो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टर नहीं आए हैं, जैसे कि एलिजाबेथ का कैरेक्टर नहीं आया, आप डार्सी का नहीं आया है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। और ये भी हो सकता है क्योंकि मेन में आपसे वो पूछे गए थे, तो आपकी बार फिर आपसे टाइटल आ सकता है और डोमेस्टिक नॉवेल भी आ सकता है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, बन पा रहे हैं और कितने पूछ लिए गए हैं। इन द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस ह्यूमर इज ऑफन मिंगल्ड विद पैथस, तो यहाँ पर ह्यूमर एंड पैथस आ जाता है डिकेंस के नॉवेल्स में। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ लव एंड मैरिज इन द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ लव एंड मैरिज आ गया। यहाँ पर कैरेक्टर आ रहे हैं, द रिटर्न ऑफ द नेटिव में कैरेक्टराइजेशन कह सकते हैं आप, कैरेक्टर इज फेट, जस्टिफाई दिस रिमार्क, राइट अ नोट ऑन द रस्टिक कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर देखिए रस्टिक कैरेक्टर्स आए हैं आपके, ओ द फिलोसॉफिकल पार्टी इन द नॉवेल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो इन 6 में से आपने सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन भी आपका शॉर्ट आंसर टाइप है और इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का। 7th वन में कैरेक्टर पूछा गया है, कैरेक्टर आया है आपका यहाँ पर फिज विलियम डार्सी का, जो अभी हम आपसे कह रहे थे। तो देखिए यहाँ पर आपका मीन्स कुल मिलाकर सारे ही क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है जेन ऑस्टिन की, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एलिजाबेथ का कैरेक्टर आ सकता है, क्योंकि डार्सी का कैरेक्टर भी आ चुका है। ड्रॉ अ कैरेक्टर, गुड, राइट अ नोट ऑन द फीमेल कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर फीमेल कैरेक्टर्स में सबसे ज़्यादा एलिजाबेथ का ही लिखा जाता है, तो उन्होंने ये आपसे कैरेक्टराइजेशन भी आ गई, आपकी कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। राइट अ नोट ऑन द फीमेल कैरेक्टर्स इन द नॉवल प्राइड एंड प्रिजुडिस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिकेंस एज अ सोशल रिफॉर्मर, और यहाँ पर फिर आपके पास सबसे अच्छी बात वही है जैसे आपके साथ मेन एग्जाम में हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ की काफ़ी ऑप्शन मिले थे सेक्शन बी में। तो यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 में से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, तो ये वाला सेक्शन काफ़ी ईजी पड़ता है बच्चों को फिक्शन पेपर में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिकेंस एज अ सोशल रिफॉर्मर, और उसका एक ऑप्शन है यहाँ पर पोर्ट्रेल ऑफ चाइल्ड लाइफ, तो चाइल्ड लाइफ को आपको यहाँ पर मेंशन करना है डेविड कॉपर फील्ड में, कमेंट ऑन द पोर्ट्रेल ऑफ चाइल्ड लाइफ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सफरिंग ऑफ वीमन, तो जो जितने भी हार्डी के नॉवेल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं उनकी वीमन कैरेक्टर्स, लेकिन यहाँ पर आप फोकस करेंगे जो आपका प्रिस्क्राइब्ड नॉवेल है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, गुड, तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है सफरिंग ऑफ वीमन कैरेक्टर। हार्डी एज अ रीजनल नॉवेलिस्ट, तो आपके सारे ही क्वेश्चंस इस तरह से हैं कि आप इजीली इनका आंसर दे सकते हैं अगर आपने प्रिपरेशन की है। वेरी शॉर्ट सेक्शन सी में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं इस सेक्शन में और 5 के ही आपने आंसर देने हैं, एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। व्हाट इज़ द चीफ फीचर ऑफ जेन ऑस्टिन्स नॉवेल्स, तो देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चीफ फीचर, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेन ऑस्टिन्स नॉवेल्स, ओके, कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 5 ही आपने करने हैं। हु वर द 5 मेंबर्स ऑफ बिंगले फैमिली इन द डेंस
रूम, तो उन 5 मेंबर्स के आपको नाम बताने हैं जो बिंगले फैमिली के थे डेंस रूम में। व्हाई वाज डेविड अनहैप्पी विद मडस्टोन, इन विच ईयर वाज डेविड कॉपरफील्ड पब्लिश्ड, और ये 2 मार्क्स का है। व्हाई वाज यूस्टेशिया फीलिंग हरसेल्फ गिल्टी, गुड। तो ये आपका फिक्शन पेपर आया था बैक और स्पेशल बैक के स्टूडेंट्स के लिए। इसे भी अगर आप देख लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका इस बार काफ़ी अच्छा पेपर जाए।